अस्सलाम वालेकुम सरमद, और शुक्रिया बहुत इतनी दूर बैठकर भी आपने कैफे के लिए, कैफे काम के लिए वक्त निकाला। और कि मैं क्या कहूँ, इस पैंडेमिक कोविड में वर्चुअल स्पेस में एक्चुअल मुलाकात हो जाए, जबरदस्त सी बात है। तो बड़ी एसोसिएशंस हैं पुरानी इस्लामाबाद से, तो इसलिए बिल्कुल दूरी भी इतनी महसूस नहीं हो बिल्कुल बिल्कुल। रही। ये जो हमारा, ये जिसको हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एनेबलर कहते हैं, ये कैफे काम है, काम का मजा। और हम इसमें अच्छा। थे पेंडेमिक कोविड से पहले, कि शायद गरीबों, मुसफरों, सोचने वाले लोगों को हम इनवाइट करते ताकि वो समझाएं कि माशरे की जो खूबसूरती है वो से होती है जो जिंदगी से रोमांस करते हैं। तो मुझे आपका शिद्दत से इंतजार रहा और फिर नहीं आप आ सके वहां पे, लेकिन देखें अब ये वर्चुअली हम कनेक्ट हो गए हैं। एक तो पाकिस्तान से आपको ईद मुबारक भी, और दोबारा शुक्रिया भी। और बहुत सारे फैंस जो हैं और फॉलोअर्स जो हैं कैफे काम के, वो आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं और बहुत प्यार करते हैं आपसे। अवार्ड है उसकी भी उन्हें बड़ी खुशी हुई, बल्कि वो अवार्ड की खुशनसीबी पे बहुत सारे लोग तबसरा भी कर रहे हैं। तो सरमत, लेकिन मैंने जितना आपको देखा और समझने की कोशिश भी की, वो ये है कि आप बिल्कुल बेन्याज हैं, बेपरवाह हैं किसी भी सताइश से, किसी भी अवार्ड से, बस अपनी धुन में हैं और अपना काम किए जा रहे हैं। तो कुछ बताइए कि आजकल क्या पढ़ रहे हैं, किन शायरों को। भाई बात ये है कि ये जो अवार्ड्स हैं या किसी किस्म की रेकग्निशन या दुनिया में क्या हो रहा है और कैसे चीजें चल रही हैं, उसकी खबर तो होती है बंदे को, लेकिन वहां ठहरना जरा डिस्ट्रैक्शन है। यानी कि आपका जो अपना काम है, वो जो धुन जिसकी बात आप कर रही हैं, वो ये काम है डाकरूम में बैठकर करने का, या गार में बैठ के करने का। यानी कि एक यू हैव टू शट द वर्ल्ड फॉर सम टाइम, और आपको एक वॉइड क्रिएट करना पड़ता है, वॉइड, क्योंकि जो क्रिएटिविटी है वो वॉइड से आती है। कि फर्स्ट देयर वाज वॉइड एंड देन गॉड सेड लेट देयर बी लाइट। तो वॉइड का मतलब यह है वॉइडिंग योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्डली टेम्पटेशंस, के शोहरत है, दौलत है और डिस्ट्रैक्शंस हैं, ईगो है, ये सारी चीजें हैं। तो उससे आदमी को मुनज्जा होना पड़ता है, यानी कि उसको पाक, यानी उसकी तत्हीर करनी पड़ती, क्लेंजिंग द वर्ल्ड हुड और द डर्ट ऑफ द वर्ल्ड हुड। तो वो क्लेंजिंग जब होती है तो उससे वॉयड एक पैदा होता है। तो वॉयड जब कैसे पैदा होती हो, है क्लेंजिंग, कैसे होती है? मैं कत कलामी माफ, लेकिन ये कहना और आपको सुनने में तो बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन जो बहुत से नौजवान हैं, क्योंकि अब हम तो नहीं कर सके, लेकिन आप ये सीक्रेट रेसिपी, वो जो मैजिक है सर, है ना? मैजिक यही है कि वो जो तलब होती है, जो ऑब्सेशन है किसी चीज के साथ, इश्क है या रोमांस है किसी चीज के साथ भी, शायरी के साथ, आर्ट के साथ, किसी आइडिया के साथ, किसी चीज के साथ भी, तो वो जो ऑब्जेक्टिव डिजायर है उसको मेडिटेट करना जरूरी है। और जब वो हम मेडिटेट करते हैं, यानी कि उस गार में बैठ के या उस वॉइड में बैठ के जब मेडिटेट करते हैं, तो हमें ये पूछना पड़ता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, मेरी मोटिवेशन शोहरत तो नहीं है। अगर शोहरत है तो मैं वही लिख रहा हूंगा जो मेरी ऑडियंस मुझसे मांग रही है, या जो पॉपुलर ट्रेंड्स हैं दुनिया में या मेरे इर्द गिर्द, तो मुझे उसको क्लीन करना पड़ेगा। क्योंकि मेरी मोटिवेशन सवाय आर्ट इटसेल्फ के और कोई नहीं हो होनी चाहिए। तो अगर मेरी मोटिवेशन है कि चलो भाई मेरी किताबें बिक जाएंगी, मैं बहुत बड़ा पैसा मेरे पास आ जाएगा, वो भी मोटिवेशन मेरी जो है वो उसको टार्निश करेगी।
उसकी जो फाइडेलिटी है, उसकी जो खूबसूरती है, उसको वो करेगी, डैमेज करेगी। फिर मैं सोचूंगा कि ये मेरी अना का मसला तो नहीं है, कि मेरी कोई प्रोजेक्शन या एग्जिबिशनिज्म है, उसमें कोई नुमाइश मैं करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको भी पाक साफूंगा उससे भी। यानी कि समझ लो कि ला का कलमा है, नो टू इलाहा, इलाहा इज वर्ल्डली गॉड्स, तो ला इलाहा। तो सूफिया में भी नफी और असबात की मंजिलें हैं, जिस तरह अब सार्टेरियन लॉजिक में भी वही नथिंगनेस है, वो बीइंग इन नथिंगनेस का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें वो ही है कि भाई आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम व्हाट आई एम नॉट। तो वो आई का कैसे पता चलेगा? आई का पता इस तरह चलेगा कि आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, वो नेगेशन करने से यू कैन रिटर्न टू योर सेल्फ। तो ये एक छोटी सी इशारा है, लेकिन इसको करने के लिए रियाजत की जरूरत है, रियाजत कष्ट भी है। हाँ, चिल्ला काटना पड़ता है। तो सर मत, फिर अगर मैं ये पूछने की जसारत करूं कि 2021 में मैं आपको किस तरह डिफाइन करना चाहेंगे, क्योंकि ये डिस्कवरी तो आपने लगता है बहुत पहले ही कर ली थी कि जो नहीं है वो मुझे समझना है, कि मैं ये नहीं, मैंने पीछे नहीं भागना। के मतलब तुम 21 की बात कर रही हो, यानी इस लम्हे में, इस लम्हे में, क्योंकि हम वक्त की कैद में होते हैं, वैसे तो एक खास कैद में जमान और मकान की कैद से भी आजाद हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, होना चाहिए। अभी जो है, जिस लम्हे में हम मौजूद हैं सर, ये तो बड़ा, हाँ इसमें यही है कि ये हिस्ट्री में भी आया कि बहुत बहुत वबाएं आई और बहुत से मसाइब और नेचुरल डिजास्टर्स भी होते हैं, और यानी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस ग्लोबल लेवल पे होता है, और उसमें इंसान की जो एवोल्यूशन होता है, जिसको वो समझ रहा होता है कि ये मेरा एवोल्यूशन है, उसको वो खुश हो रहा होता है, उस पर बड़ी प्राइड ले रहा होता है कि मैं चांद पे जाने वाला हूँ, मैं फलां डिस्कवर करने वाला हूँ, मेरे इतने मिसाइल्स हैं मेरे पास, मैंने एटम बम बना लिया है, मैं मशीनों से काम करता हूँ, मैंने कंप्यूटर बना लिया। तो वो उसमें एक एवोल्यूशनरी उसकी प्राइड बनती है कि जी मैं तो देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। तो उसको थोड़ी सी झटका मिलता है, फिर इस तरह एक सेकेंड के लिए वो देखता है कि एक छोटी सी चीज है, एक कतरा है, बिल्कुल मच्छर जितना, और वो नाक में घुस गया है। तो वो फिर उसकी औकात जो है वो उसको पता चलती है और वो फॉल करता है। तो जो फॉल ऑफ एडम है वो एक मेटाफर है, यानी कि जिस तरह पैराडाइज से फॉल किया एडम ने, तो वो एक यूनिफिकेशन, एक ब्यूटीफुल जो भी एक्सपीरियंस था उसका, पैराडाइजल जो कि यू नो मदर्स वूम भी होती है, यानी पैराडाइज, और उससे वो फिर वो बाहर निकलता है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो कटी जाती है। तो ये सारे मेटाफर्स हैं कि भाई ये यू कांट जस्ट हैव इट लाइक दिस, इससे भी बड़ी कोई बात करनी पड़ेगी तुम्हें या समझनी पड़ेगी। तो वो एक थोड़ा सा उसमें पॉज आता है, उसकी जो क्या उसे कहते हैं, यानी वो वैनिटी जो उसकी है या प्राइड सी, उसमें वो तकब्बुर में, एक तकब्बुर जो है उसका, उसका इल्यूजन, उसका जो आइडल, उसका जो बुत है वो टूटता है। तो हमारे साथ इस वक्त ये हुआ, ठीक है, और उसके बाद ये हुआ कि बहुत सी अफवाहें फैली, कॉन्स्पिरेसी थियरीज हुई कि भाई ये तो कंट्रोल है, ये तो इस तरह है, ये मैन मेड है, और जो भी है। अब आप, हमें तो नहीं पता कि भाई दुनिया को कौन चला रहा है, बिल गेट्स चला रहा है या कौन चला रहा है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें सामने आएंगी अपने वक्त पे। लेकिन जो आम ह्यूमन एक्सपीरियंस हुआ है, जो
ग्लोबल लेवल पे वो यही हुआ है कि यू कैन नॉट रन एंड टू टुवर्ड्स परफेक्शन और टू अल्टीमेट, यू हैव टू सिप इट, यू कांट गल्प इट. ठीक है, हम तो सिप ही कर रहे हैं और नीली के 100 रंग से लेकर अब तक जितनी नज़मों के जरिए आपसे मुलाकात, उसमें ये भी लगा कि सरमत खुद को भी एवॉल्व करते रहें. ऐसे ही है, क्योंकि कारी की एक अपनी इंटरप्रिटेशन होती है और तख्लीक एक अपना जाविया होता है. तो आप को कैसे फिर देखते हैं इस सफर में? देखो, ये एवोल्यूशन और उसमें चेंज में फर्क है या ट्रांसफॉर्मेशन में. तो मैं तो कोई एवोल्यूशन का उस तरह कायल नहीं हूँ. लेकिन मैं समझता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो कि चीजें ट्रांसफॉर्म होने शुरू हो जाती हैं. कि भाई अगर डार्विन है तो फिर वो सोशल डार्विनिज्म है. तो बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी, वो चाहे किसी तरह खाए, साइकोलॉजिकली खाए, इकोनॉमिकली खाए, वो ट्रांसफॉर्मेशन है इनटू अ सोशल स्ट्रक्चर. ठीक है, ठीक है. तो जो एक्टिविज्म में है, हम जो एक्टिविज्म में है, चाहे वो महबूब के लिए करें या लिटरेरी एक्टिविज्म करें, हम भी ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस की ही बात करते हैं. लेकिन जो है चीजें अभी भी अच्छी लगती हैं, तो क्या ये कोई गलत बात है? ये ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ सफर से रोकता है? मसलन मैं कहूँ कि सरमत वो जो नज्म थी जो पहली किताब में थी वो मुझे अभी भी सबसे अच्छी लगती है. ऐसा कई आपको ऐसे आपके फैंस मिलते होंगे, तो आपको बुरा तो नहीं लगता कि यार मैंने उसके बाद पता नहीं क्या क्या काम किया, इतना कुछ मैंने लिखा, तो तुम लोग अभी तक उस नज्म पे अटके हुए हो, लेकिन बस वो अब कोई लाल कपड़ों पे रह गया, कोई नीली पे रह गया, तो क्या करें सरमत? नहीं नहीं, मैं तो इसमें बिलीव ही नहीं करता. मैं समझता हूँ कि जो मैं तुम्हें पता है अपनी पोइट्री डेट नहीं करता. हाँ, मैं अपनी हाँ, नज्म लिखता हूँ तो मैं नीचे डेट कभी नहीं, अनडेटेड है. ठीक है, अनडेटेड है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि जो अब जो नज्म मैंने अगर 70s में लिखी, अभी मेरे प्लेस छपे हैं जो मैंने 70s से लेके 86 तक लिखे हैं, तो वो छपे हैं. और उनकी रेलेवेंस अगर नहीं है तो उन्हें वहीं रह जाना चाहिए था, यानी कि मर जाना चाहिए था. तो पोइट्री या आर्ट जो है वो एक जमाने के लिए नहीं होता, वो बहुत से जमानों में ट्रेवल करता है. उसकी बड़ी यानी इंटरेक्शन, यानी कि वो इंटरटेक्चुअलिटी होती है बहुत चीजों की, वो आपस में बातें कर रही होती हैं. तो आर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम सोशियोलॉजी, कि वो सोशियोलॉजी जो है, जो आर्ट सोशियोलॉजिकली कंट्रोल्ड होता है या जो सोशियोलॉजी को पेंडर कर रहा होता है या एडजस्ट कर रहा होता है, वो सोशियोलॉजी के साथ खत्म हो जाता है. कि एक सोशियोलॉजी आई, फिर दूसरी आ गई, तो वो सोशियोलॉजी खत्म, तो वो भी खत्म. कि मसलन कल अगर वो जिसम मार्क्सिज्म है तो वो एक बहुत बड़ा एक आइडियोलॉजिकल एक इन्फ्लुएंस है, और उससे मुतासर होके जिन लोगों ने उसको सिर्फ पेंडर किया, यानी कि उसको सिर्फ वो एक उसको यूलोजाइज किया या आइडलाइज किया, और वो शायरी की और पता नहीं क्या क्या किया, और बाद में पता चला कि भाई वो तो कुछ और ही है. लेकिन जिन्होंने वो उसको एक्सपीरियंस जो था उसका, यानी कि अर्ली मार्क्स का जो एक्सपीरियंस है या ऑपरेशन का जो एक्सपीरियंस है, उसको एग्जिस्टेंशियली महसूस किया, नॉट आइडियोलॉजिकली बट एग्जिस्टेंशियली महसूस किया और लिखा, तो वो अपने जमाने से निकल जाएगा, निकल जाएगा, वो आगे चला जाएगा. ठीक है, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल को आपको रोकना होता है, तोड़ना होता है, तभी तो आप बहुत ऊपर आसमानों तक पहुंचते हैं. अच्छा सरमत, ये जो आपने सारी बातें की और जिस गहरी नजर से आप जिंदगी को मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स को देखते हैं, मैं एक बात सोचती रही हूँ. आपकी तख्लीकी जो काविशें सामने आई, जो प्रोडक्ट्स आपने दी, फिल्म है, आर्ट है, म्यूजिक है, मतलब एक हर सतह पे आपने बहुत सो को इन्फ्लुएंस किया. मैं सोचती हूँ कि सरमत, वैसे सरमत जैसे लोग हैं भी बहुत कम, लेकिन चलें जो भी है जिस सोसाइटी के पास,
उनको हम अपनी पॉलिसी मेकिंग में शामिल नहीं करते, कहते भाई वो तो शायर है, वो तो मुजस्मा साज है, वो तो पेंटर है, वो तो फिल्म मेकर है। हालांकि जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, सियासतदान हो, लेजिस्लेटर्स हो, वेस्टर्स हो, सोशलिस्ट हो, वो सब आखिर में चैन, शायरी, पोइट्री, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, फिल्म में ही पाते हैं। लेकिन जब ये सब कुछ जो कि इंसान के लिए बन रहा होता है, ये सारा जो है ना खेल तमाशा जिसे हम कहते हैं, तो आपको लगा, मुझे पता है आप इन चीजों की तरफ नहीं भागते, नहीं देखते, लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये जो डिविजन है ये बड़ी मसनूई और इससे बहुत सोसाइटी में फर्क आता है, बल्कि नुकसान होता है हमें? नहीं, प्लेटो ने कहा था ना फिलोसोफर किंग चाहिए। बात ये है कि ये जो स्टेट होती है, स्टेट ऑपरेट जो भी होता है, वो थ्रेटेंड होती है बहुत आर्ट से। वो शुरू से ही थ्रेटेंड है, मतलब ऑर्थोडॉक्सी, क्लर्जी, थियोलॉजी, ये शुरू से ही वो क्या भाई, ये तो जादूगर हैं, ये तो साहिर हैं, पूरा मिडिवल एजेस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं तो वो ये तो जी पागल हैं, हिटलर कहता है इन सबको अंदर करो और इनको एक्सटर्मिनेट कर दो क्योंकि ये तो पागल लोग हैं। ठीक है, ये इम्प्रेशनिस्ट जो थे उस जमाने के, एक्सप्रेशनिस्ट वगैरह, ये पागल लोग हैं। ठीक है, तो वो जो बायोलॉजिकली मतलब ये फिट ही नहीं है सोसाइटी में, लाइक एनी इनवैलिड पर्सन, यानी कि एक वो है, फ्लॉ है इनके अंदर। तो स्टेट जो होती है वो बहुत ज्यादा थ्रेटन होती है आर्ट से। उसकी वजह ये होती है कि स्टेट चाहती है कि हर चीज डिफाइन हो सके, और डिफाइन हो जाएगी तो कंट्रोल भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो इसको कोऑप्ट करते हैं, सबसर्विएट करते हैं, अवार्ड्स देते हैं। वो जनाब कहते हैं रोल ऑफ द आर्टिस्ट इन यू नो सोसाइटी, और वो रोल भी असाइन करते हैं। वो मिनिस्टर्स आके बोलते हैं एकेडमी ऑफ लेटर्स में उधर उधर, वो लेक्चर देते हैं कि जी राइटर को ये करना चाहिए, लेकिन राइटर को वो पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। वो जिस वक्त करने देंगे तो उससे बड़ी तहजीब हो ही नहीं सकती दुनिया में। जब अगर कोई आर्टिस्ट और क्रिएटिव विजन वाले लोग एक्सेप्टेबल हो जाएं स्टेट की लेवल पे, तो उससे मुहज्जब कोई दुनिया में स्टेट हो ही नहीं सकती। अगर उनकी पार्टिसिपेशन होनी शुरू हो जाए, लेकिन बताया ना कि प्लेटो कहता है फिलोसोफर किंग, तो ऐसे नहीं कह रहा, ऐसे तो उसको पता है कि भाई ये कोई विजन है, कोई बात है। तो जितनी ब्रुटैलिटी है सोसाइटी में, वायलेंस और सारा कुछ, वो एंटी आर्ट ही है ना। अगर देखा जाए तो किसी भी फैक्शन में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, उसमें उसमें ह्यूमन फेस नजर आता है। ठीक है, लेकिन सबसे खूबसूरत जो ह्यूमन फेस है, मैनकाइंड का फेस, वो आर्ट में, वो आर्ट में, वो पॉलिटिक्स में होगा, मस्क शुदा होगा, कभी यूं कर रहा होगा कि बंदी, कभी यूं कर रहा होगा, कभी ये कर रहा होगा, कभी उंगली उठ रही होगी, कभी ये हो रहा होगा, यू नो वो सारे जेस्चर जो है वो पावर के चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। अब आर्ट जो है वो डिपावरिंग एक्सपीरियंस, वो उसको ह्यूमनाइज करता है पावर, तो इसलिए वो डरते हैं उससे, वो उसको उसको काबू करना चाहते हैं। वो कभी क्रिटिक्स रख देते हैं, कभी मीडिया रख देते हैं, वो डिफाइन करते रहते हैं, ये जी बहुत बड़ा शायर है, ये जी बहुत बड़ा वो है, ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, पैट्रनाइज करते हैं। सही बात कह रहे हैं कि आर्ट के पास जो है ना वो ह्यूमन फेस ऑफ पावर है, नॉन अब्यूसिव पावर, क्योंकि आर्ट की भी तो पावर है। लेकिन ऐसा भी तो है ना, और इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने किसी को भी नाराज नहीं करना, कि बाज़ दफा आर्टिस्ट, शायर, अदीब भी तो मुलव्वस हो जाते हैं, फिर वो एलाइज बनते हैं ना। नहीं, वो जो एलाइज नहीं, वो जो एलाइज, तो एलाइज बनने तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो एक्सपोज हो जाते हैं क्योंकि इंटेंशनैलिटी जो है उसकी। मसलन अगर मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं अगर पेंडर कर रहा हूँ किसी हुकूमत की खास पॉलिसी को,
और प्रमोट कर रहा हूँ तो मुझे लगा देंगे वो मिनिस्टर ऑफ कल्चर फर्ज करें या मैं पेंडर कर रहा हूँ तो वो तो मेरी सारी प्रोजेक्शन जो होगी वो हुकूमत की होगी, वो मेरी कोई इंडिपेंडेंट विजन तो नहीं है। मगर मेरी शर्त ये है कि भाई मुझे आप हुकूमत में लाएं, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन मेरी इंडिपेंडेंट विजन उसमें मैं आपका वो नहीं, प्रमोटर नहीं। सर मत, कोई दो राय हो ही नहीं सकती, आप से किसी को भी किसी खास सतह पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन सबको पता है कि आपका जो इंडिपेंडेंस है भाई आपको भी मुलाजिम नहीं रख सकता, ये तो आपने खुद अपने फेसबुक पे भी लिखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आप पीटीवी के स्क्रिप्ट राइटर रहे हैं और इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखा और रजीम आई और गई और सरमत से और 2021 में हम सरमत से बात कर रहे हैं। तो सरमत बाकी बातें छोड़ें, कुछ अपने वक्त में से थोड़ा सा और वक्त हमें दें और अपनी पसंद की नज़्में, अपने पसंद के अशआर, कुछ भी जो आप कहना चाहें। बहुत से फैंस हैं आपके, ये तो आपको पता ही है। शंदा प्लीज, वो यार मेरी तो चीजें वो पढ़ते रहते हैं लोग, उनको पता है, लेकिन आप वो कहते हैं ना क्या होता है, कलाम है शायर बस ज़बान बस ज़बान है शायर। अच्छा वो तुम्हारे तो भाई एक्टिविस्ट हो, तो मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं, मैं आपके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं करूंगी नहीं नहीं जरूर करो, मुझे कोई इतराज नहीं है। अच्छा ये एक नज्म है जो तुम्हें सुना देता हूँ, मैं एक ही सुनाऊंगा क्योंकि वक्त नहीं है। ठीक है। ये है अंदरूने शहर की एक लड़की के नाम, अंदरूने शहर जो हमारा लाहौर का अंदरूने उसकी लड़की। वो एहतियातों की पुरपेच गलियों से शर्मो हया के दबे पांव निकली, वो एहतियातों की पुरपेच गलियों से शर्मो हया के दबे पांव निकली कि दरिया के उस घाट ख्वाबों का जंगल था, ख्वाबों का जंगल था। वो एहतियातों की पुरपेच गलियों से शर्मो हया के दबे पांव निकली कि दरिया के उस घाट ख्वाबों का जंगल था, उसके लहू में जवानी की कच्ची महक सरसराई, उसके लहू में जवानी की कच्ची महक सरसराई, घने खेत में प्यासी ख्वाहिश के चश्मे पे उसने कमारे बदन को पुरसरार उड़िया की हैरत में देखा, उसके लहू में जवानी की कच्ची महक सरसराई, घने खेत में प्यासी ख्वाहिश के चश्मे पे उसने कमारे बदन को पुरसरार उड़िया की हैरत में देखा, बरसते हुए घोर बादल की लज्जत में वो देर तक झाग बनकर पिघलती रही, देर तक ध्यान की घाटियों पर घरों की तरफ लौटते वापसी के निशान मिट चुके थे, ध्यान की घाटियों पर घरों की तरफ लौटते वापसी के निशान मिट चुके थे, महक उसके होठों पे पागल हुई थी, घटा उसके सीने पे बोझल हुई थी, वो पल भर को ख्वाहिश के दरिया पे बहता हुआ फूल थी, वो पल भर को ख्वाहिश के दरिया पे बहता हुआ फूल थी, घर की भारी चिकों के शिगाफों में, घर की भारी चिकों के शिगाफों में उड़ती हुई धूल थी। नज़्म एकदम समझ नहीं आती, बस समझ तो नहीं आती, लेकिन हर कोई उसको जो है ना अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में देखता है, तो मैं थोड़ी उदास हो रही हूँ और ईद का मौका है तो उदासी जरा ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। और आपका अच्छा ईद का मौका है, ईद का मौका है, आपको पता है पाकिस्तान जो है माशाल्लाह हम बहुत रिजिलिएंट और COVID-19 भी है, SOPs भी हैं, लेकिन ईद भी मना रहे हैं और अपना ख्याल रखिएगा और बहुत सारे लोग बहुत सारे फैंस हैं आपकी वापसी का इंतजार भी करते हैं पाकिस्तान में। मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ, मैं तो खुद जाना चाहता हूँ एग्जैक्टली कि बहुत सारे
कैफेज पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम सलमान साहब भाई को एक्चुअल स्पेस में देखेंगे. आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक. अपना ख्याल रखिएगा. आपको, तुम्हें भी मुबारक, और तुम्हारे दोस्तों को और कैफे वालों को भी बहुत बहुत मुबारक. ओके, सी यू लेटर. ओके, खुदा हाफिज़.